सुप्रभात बच्चों, आज के हिंदी कक्षा में तुम सबको स्वागत है। आज हम आठवीं कक्षा का एक व्याकरण विभाग के ऊपर ध्यान देंगे। विषय वस्तु का नाम है वाक्य। पहले हम ये समझेंगे कि वाक्य कैसे बनता है। जैसे कि हमें पता है, कई सारे शब्दों के मिलन से वाक्य को बनाया जाते हैं। लेकिन पहले हम शब्द किसे कहते हैं और शब्द कैसे बनते हैं। जैसे कि कई सारे वर्ण और अक्षरों को लेकर एक शब्द बनाया जाता है, उसी प्रकार कई सारे शब्दों को लेकर वाक्य बनाए जाते हैं। लेकिन उस वाक्य का एक अर्थ होना जरूरी होता है। अगर उसका अर्थ ना हो तो उसे हम वाक्य नहीं कह सकते। जैसे कि उसकी संज्ञा यह हो गया, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं, तो वाक्य में उसका अर्थ होना जरूरी होता है। अगर वाक्य में अर्थ ना हो तो उसे हम वाक्य नहीं कह सकते। तो एक संक्षिप्त संज्ञा यह होता, समूह शब्दों के मिलन से, कई सारे शब्दों के मिलन से वाक्य बनाए जाते हैं। जो वाक्य होते हैं उसके भेद दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद और रचना के आधार पर वाक्य का भेद। तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य में दो मुख्य अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य और विधेय में फर्क क्या होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि राम, हरि, बाजार, जो संज्ञा होता है जो कि वाक्य में मुख्य होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कि पढ़ता है, घोड़े पर बैठकर आ रहा है, आज बंद है, विधेय होता है। अगर मैं वाक्य एक ऐसा कहूँ कि राम खाना खा रहा है तो राम हो जाएगा यहाँ पर उद्देश्य, क्योंकि यह वाक्य में यह मुखिया का रूप का काम करता है, और खाना खा रहा है यह हो जाएगा विधेय जो कि उद्देश्य काम करता है। वाक्य में जो कर्ता होता है, जो मुखिया होता है, जिसके बारे में, जिस विषय में कुछ कहा जाता है जिसके, उसे उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता हो उसे हम विधेय कहते हैं। सीता पढ़ रही है, तो सीता इस वाक्य में संज्ञा है और मुखिया भी, जो कि जिसके बारे में कहा जाता है, हम यहाँ पर सीता के बारे में कहते हैं, इसलिए सीता हो जाएगा उद्देश्य। और सीता पढ़ रही है, तो पढ़ रही है उद्देश्य जो काम करता है उसे हम विधेय कहते हैं। वो पढ़ने का काम कर रही है तो पढ़ रही है हो जाएगा विधेय। तो उसी प्रकार वाक्य के दो अंग में एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो ये वाक्य के दो अंग होते हैं। अब हम वाक्य के आधार की दृष्टि देंगे। पहला होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से। वाक्य का वर्गीकरण, वाक्यों का वर्गीकरण यानी कि रचना के आधार पर वाक्य का जो भेद होता है वो तीन प्रकार के होता है। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य। और जो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं वो आठ प्रकार के होते हैं। पहला होता है विधिवाचक, वा जिसे हम विधानवाचक या विधानात्मक कहते हैं। दूसरा इच्छावाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा निषेधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक, छठा विस्मयादि बोधक, सातवां संकेतवाचक और आठवां संदेहवाचक। अब हम जो रचना की दृष्टि से जो वाक्य तीन तरह के होते हैं, पहला सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम सरल वाक्य किसे कहते हैं और उसके बारे में समझेंगे। सरल वाक्य यानी कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा उसे हम सरल वाक्य कहेंगे।
द जो वाक्य गोटे उद्देश्य और गोटे विधेय थी से ही वाक्य को सरल वाक्य बोली कहा जाए। जथा पिले उदाहरण देची सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यानी कि सूर्योदय मैंने पहले भी कहा था, उद्देश्य का मतलब होता है जिसके बारे में कहा जाता हो, यानी कि यहाँ पर सूर्योदय के बारे में कहा जाता है, इसीलिए सूर्योदय हो जाएगा उद्देश्य। होने पर कुहासा जाता रहा, तो होने पर जो कुहासा जाता रहा ये हो जाएगा विधेय। इसे हम कहेंगे एक उद्देश्य और एक विधेय मिलकर जो वाक्य बनते हैं उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। जैसे कि राम खाना खा रहा है, राम हो जाएगा यहाँ पर उद्देश्य, खाना खा रहा है हो जाएगा यहाँ पर विधेय, और जिसके कारण इस वाक्य को हम कह सकते हैं सरल वाक्य। राम खाना खा रहा है, सीता फल काट रही है, इस तरह वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। अभी दूसरा वाक्य पर जाएंगे जिसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक सरल वाक्य होता है और दूसरा एक छोटा सा उपवाक्य होता है। सरल वाक्य और उपवाक्य को मिलाकर हम बनाते हैं मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य का संज्ञा, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम लिखता है, बिजली चमकती है और हरि ने देखा, इस तरह वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। अब हम मिश्र वाक्य की ओर जाएंगे। जिस वाक्यों में एक सरल वाक्य के साथ उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के साथ उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, राम कहता है कि मैं आज कोरापुट जाऊँगा, तो इस वाक्य में सरल वाक्य क्या है, इस वाक्य में सरल वाक्य है मैं आज कोरापुट जाऊँगा, तो ये हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। तो सरल वाक्य इस वाक्य से निकाल लेने के बाद जो बचता है तो क्या बचता है, राम कहता है, तो ये हो जाएगा हमारा उपवाक्य। यानी कि एक सरल वाक्य की आवश्यकता होगी और एक छोटा सा उपवाक्य की। अगर ये सरल वाक्य और उपवाक्य दोनों मिल जाएंगे तभी हमारा मिश्र वाक्य बन जाएगा। जैसे कौन नहीं जानता कि हमारी संस्कृति सत्य पर आधारित है, तो इस वाक्य में सरल वाक्य क्या है, हमारी संस्कृति सत्य पर आधारित है, तो बचा कौन, कौन नहीं जानता कि, तो ये हो जाएगा हमारा उपवाक्य और ये हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। उसी प्रकार जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के साथ एक छोटा सा उपवाक्य हो सकता है होगा तो उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। और कई सारे उदाहरण हम अभी लेंगे। उसके बाद संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। इसके संज्ञा यह होती है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है, उसे संयुक्त वाक्य, इस उन मिश्र वाक्यों को मेल होता है और उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, तो इस वाक्य में दोनों या फिर दो सरल वाक्य हैं। पहला सरल वाक्य यह है कि मैं आगे बढ़ गया और दूसरा सरल वाक्य यह है कि वो पीछे रह गया। तो जो बीच में एक शब्द लिखा है और, ये हो जाएगा दोनों वाक्यों को मिलाने के लिए एक अव्यय पद का व्यवहार यहाँ पर हुआ है, तो और हो जाता है, और के कारण ये दोनों वाक्यों को हम मिला सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो दो सरल वाक्य हैं और के कारण मिल गए हैं इसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। यानी कि दो से अधिक सरल वाक्यों को मिलाने से हम संयुक्त वाक्य बना सकते हैं। दो भी हो सकता है दो से अधिक, जैसे कि राम खाना खा रहा है, सीता खेल रही है और मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हो गया। यहाँ पर राम और सीता दोनों सरल वाक्य से अंश हैं और मैं यहाँ पर और एक सरल वाक्य, यानी कि यहाँ पर तीन वाक्यों के मेल होने के कारण इसे भी हम संयुक्त वाक्य ही कह सकते हैं।
दो या फिर दो से अधिक सरल वाक्यों के मेल से मिश्र वाक्य बनाया जाता है। आप आए और बाहर आई, बाहर का मतलब खुशियाँ, यानी कि आप आए एक सरल वाक्य और बाहर आई एक और सरल वाक्य, और हो गया यहाँ पर अभय पद, दोनों को जोड़कर रखने का काम करता है, इसलिए ये हो गया हमारा और एक संयुक्त वाक्य। तो दो से या फिर दो या फिर दो से अधिक वाक्यों के मेल से जो वाक्य बनाया जाता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो अभी हमारा रचना के आधार पर जो तीन वाक्य थे, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, अब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार भेद पढ़ेंगे, जो कि आठ प्रकार के हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद आठ प्रकार के हैं, विधानवाचक, निषेधात्मक या फिर निषेधवाचक, प्रश्नात्मक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक। विधानात्मक यानी कि विधिवाचक हम किसे कहते हैं, जिससे किसी कार्य के होने की सूचना मिले उसे विधानात्मक वाक्य कहते हैं। यानी कि हम जब एक दोस्त, यानी कि मैं अगर किसी दोस्त से जब बात करूंगी तो जिस वाक्य में बात करती हूं उसे हम विधिवाचक कहेंगे। जैसे कि साधारण सा वाक्य होता है जहां पर एक व्यक्ति आसानी से दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है, एक छोटा सा वाक्य विधिवाचक, और उस वाक्य में किसी कार्य के होने की, जिससे कार्य के होने की सूचना होती है। बच्चे खेल रहे हैं, आकाश में बादल घूमड़ रहे हैं, हमने खाना खाया, वे चले गए या फिर वे गए। तो ये हो जाता है हमारा एक छोटा सा वाक्य जिसे हम विधानात्मक या फिर विधिवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें किसी कार्य के होने की सूचना होती है उसे हम विधानात्मक या फिर विधिवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधात्मक यानी कि निषेधवाचक, जिससे किसी कार्य के न होने का बोध होता है, वहाँ पर कार्य के होने के बोध, अगर कार्य का होने का बोध होता हो तो विधिवाचक, अगर ना होने का बोध होता हो तो उसे हम निषेधवाचक, यानी कि वहाँ पर नहीं का प्रयोग होता, कोई कार्य होगा ही नहीं। जैसे कि लड़का नहीं पढ़ता था, आकाश में बादल नहीं है, राम ना आए, वे नहीं गए, तुम मत जाओ, तो ये सारे हो जाएंगे हमारे निषेधवाचक या फिर निषेधात्मक वाक्य, जहाँ पर नहीं और न का प्रयोग होता है। तुम मत जाओ, यहाँ पर नहीं लिखा नहीं है लेकिन इस वाक्यों को समझने में नहीं का ही प्रयोग होता है। तुम मत जाओ यानी कि वो जाने की मंजूरी नहीं देता है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा निषेधात्मक। उसी प्रकार तीसरा हो जाएगा प्रश्नवाचक, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न के किए जाने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न पूछा जाता हो या फिर प्रश्न का सवाल किसी से करने का भी बोध होता हो। राम कहाँ जा रहा है, वे कहाँ चले गए, तुमने क्या खाया, इस तरह के सवालों को हम प्रश्नवाचक में रखेंगे, और इसमें जिस प्रकार किसी प्रकार के प्रश्न का किए जाने का बोध होने का हमें संकेत मिलता हो तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। उसी प्रकार आज्ञातक या फिर आज्ञावाचक, तुम लोग तो समझ ही गए होंगे, आज्ञा का मतलब जिससे हम किसी तरह की आज्ञा दे सकते हैं, आदेश कर सकते हैं, प्रार्थना या उपदेश आदि का बोध होता है, या फिर कुछ हमारे लिए कोई करे हम उससे अनुरोध भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आज्ञावाचक का पालन होता होगा तो उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। तुम जाओ, मुझ पर कृपा करो, अच्छी तरह पढ़ाई करो, कृपया आप चले जाइए, तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो कृपया आप चले जाइए, यहाँ पर अनुरोध का संकेत मिलता है और तुम यह काम करना चाहिए तुम्हें, तो यहाँ पर आदेश होने का बोध होता है, इसलिए यह हो जाएगा हमारा आज्ञावाचक, पालन करने के अर्थ में उपयोग होता है। उसी प्रकार तुम जाओ, जाने की हमें कहा गया है तो इसलिए आज्ञावाचक। उसी प्रकार
संदेहात्मक या फिर संदेहवाचक, जिससे किसी बात की संभावना, शंका, संदेह आदि का बोध हो, उसे हम संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे वह मालकानगिरी पहुंच गया होगा, यानी कि हमें नहीं पता कि वो पहुंचा है या फिर नहीं, लेकिन हमें संदेह है कि शायद वो पहुंच भी गया होगा या फिर शायद वो पहुंचा भी नहीं होगा। यानी कि जिस वाक्य में हमें पूरी तरह उस सच्चाई पता नहीं होती है और केवल हम शंका करते हैं कि शायद हो सकता है, संदेह होता है हम उस वाक्य में, तो उसे हम संदेहवाचक कहेंगे। आज वर्षा हुई होगी लेकिन मुझे नहीं पता, शायद हुई होगी, शायद कार्य नहीं हुआ, क्या तुम सचमुच ही गए थे, राम आया होगा। तो इस तरह वाक्यों को संदेहात्मक वाक्य कहेंगे, क्योंकि इस वाक्य में सत्यता का, जो सत्य होता है उसका मालूम या फिर पता हमें नहीं होता है। ये केवल शंका होता है जो कि मन की कल्पना होती है, हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो इस वाक्य में हम संदेहवाचक लेंगे। फिर इच्छावाचक, जिसमें किसी प्रकार की इच्छा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता हो, दीर्घायु हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, भारत माता की जय हो, सब खूब फूलो फलो, यानी कि किसी के आशीर्वाद, शुभकामनाएँ या फिर कोई कामना होगा तो उसे हम इच्छात्मक या फिर इच्छावाचक कहेंगे। अभी हम देखेंगे सातवां, विस्मय आदि बोधक, जिससे विस्मय यानी कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, सुख और दुख आदि का भाव प्रकट होता हो, उसे हम विस्मय आदि बोधक वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य में हमें आश्चर्य का संकेत मिलता हो, यानी कि हाय राम, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, आहा आज बादल रिमझिम बरस रहे हैं, यह बगीचा कितना सुंदर है, अरे वह आया है, हे तुम फेल हो गए। अगर किसी वाक्य में हमें आश्चर्य होने की बोध होता हो या फिर सुख का या फिर भय का, तो उसे हम कहेंगे विस्मयादि बोधक। जिससे विस्मय, हर्ष और शोक आदि का प्रकट होता हो, उसे हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक, जिसमें संकेत या शर्त का बोध हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरसता तो पौधे ना सूखते, शर्त यानी कि अगर हम यह कार्य करेंगे तब भी वो कार्य सफलता होगी, तुम खाओ तो मैं जाऊँ, वो आएगा तो ही मैं जाऊँगा, ऐसे यानी किसी बात पर वो रुक जाएगा, उसे शर्त की, शर्त का बोध होता हो, पहले संकेत या शर्त का बोध होगा और उसी के बाद कार्य की पूर्ति होगी, तो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। पानी बरसता तो पौधे ना सूखते, अगर पानी बरसता तो पौधे नहीं सूखते, तुम खाओ तो मैं जाऊँ, इस प्रकार के वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। तो ये था बच्चों हमारा वाक्य का प्रकार भेद, जो कि रचना के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। नीचे कुछ प्रश्न दिया गया है, जैसे कि निम्नलिखित उद्देश्य के साथ विधेय जोड़कर वाक्यों को पूरा कीजिए। कुत्ते, कुत्ते भौंक रहे हैं, यानी कि तुम्हें उद्देश्य दिया गया है, जिसके बारे में तुमको कहाँ कहना है वो तुम्हें दिया गया है, बस तुमको क्या करना है, तुम लोगों को उससे एक ऐसा विधेय जोड़ना है जिससे कि एक वाक्य बन सकता है। कुत्ते भौंक रहे हैं, टहलना शरीर के लिए अच्छा होता है, और मेरी माताजी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया, तो इस तरह के वाक्यों को हम पूरा करेंगे। उसी प्रकार तुम्हारे लिए वो विधेय दे चुका है और तुम लोगों को उद्देश्य लेकर उसे पूरा करना है। डास बड़ों का आदर करते हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं। डास गरम गरम चाय पीनी चाहिए बारिश के मौसम में या फिर ठंडी के मौसम में, गरम गरम चाय पीनी चाहिए। डास बहुत से सुंदर सुंदर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, भुवनेश्वर बहुत से सुंदर सुंदर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तुम जो भी चाहो लिख सकते हो, जैसे कि एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए।
एक उद्देश्य तुम्हें जरूरत है और उस उद्देश्य को विधेय को देकर उद्देश्य की पूर्ण करना होगा हमें। इस तरह का कुछ प्रश्न तुम लोगों के लिए दिया गया है, उन सारे प्रश्नों का उत्तर कर देना। अब हम विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे। विराम चिन्ह लिखने में विराम को दिखलाने के लिए कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग होता है। या विराम चिन्ह का मतलब होता है, जब भी हम किसी वाक्य को लिखते हैं, कभी कविता पढ़ते हैं, कभी कहानियाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक पूर्ण छेद होगा जिसे हमें पता है, अर्ध विराम होगा, पूर्ण विराम होगा, कई सारे चिन्ह लगाए जाते हैं और हम वही चिन्हों पर थोड़ा अटक अटक रुक रुक कर पढ़ते हैं और उसी विराम चिन्ह के कारण वाक्य का रूप भी, वाक्य का अर्थ भी परिवर्तन होता है। जैसे कि विराम चिन्ह के कारण भाषा में स्पष्टता आती है और अर्थों को समझने में हमें सहायता भी मिलती है। रोको मत, जाने दो, यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग है। रोको मत, जाने दो, यहाँ पर मत के बाद विराम चिन्ह लगाया गया है। इस वाक्य का अर्थ क्या है, उसे रुकने के लिए मना किया जाता है और कहा जाता है कि उसे रोको नहीं, उसे जाने की मंजूरी दे दो। लेकिन दूसरे वाक्य में वही वाक्य है लेकिन विराम चिन्ह का प्रयोग थोड़ा अलग रूप में है, जैसे कि रोको मत, जाने दो। विराम चिन्ह का जहाँ पर प्रयोग होता है, हम यहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं तो उसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। रोको मत, जाने दो, इस वाक्य का अर्थ यह होता है कि उसे रुकने के लिए कहा जाता है और जाने के लिए मंजूरी नहीं दिया जाता है। पहले वाक्य में उसे जाने को कहा जाता है लेकिन दूसरे वाक्य में उसे जाने को नहीं दिया जा रहा है, यानी विराम चिन्ह के प्रयोग के कारण वाक्य का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है और विराम चिन्ह के कारण वाक्य में स्पष्टता आती है, भाषा में स्पष्टता आती है और उसे समझने में हमें आसानी होती है। तो पहले वाक्य में ना रोकने और जाने देने के लिए कहा गया है लेकिन दूसरे वाक्य में रोकने और ना जाने देने के लिए कहा गया है। इस प्रकार विराम का स्थान बदल जाने से वाक्य में अर्थ का भी परिवर्तन होता है। तो अब हम कई सारे विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे कि हम जब लिखते हैं तो कैसे कैसे विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। पहला होता है पूर्ण विराम, उसका संकेत तुम लोगों को दाहिने ओर दिया गया है। फिर अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, संक्षेप चिन्ह, कोष्ठक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह। ऊपर जो दोनों वाक्य लिखे हैं इन वाक्यों में अर्ध विराम चिन्ह नहीं, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हो, अल्प विराम का चिन्ह यहाँ पर प्रयोग होता है। तो अभी हम और चिन्ह के बारे में देखेंगे। यहाँ पर बच्चों उसी चिन्हों को, उस विराम चिन्हों को यहाँ पर अंग्रेजी अक्षर में लिखा गया है, तुम लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अल्प विराम जिसे हम कमा कहते हैं, अर्ध विराम सेमीकोलन, पूर्ण विराम फुल स्टॉप यानी पूर्ण छेद, उपविराम विस्मयादि बोधक चिन्ह। तुम्हारे पुस्तक में जो जो चिन्ह है उससे ज़्यादा चिन्ह यहाँ पर तुम लोगों को दिया गया है जिसका व्यवहार हम लिखते समय करते हैं और ये चिन्ह विराम चिन्ह है जिसके कारण वाक्य का रूप बदलता रहता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे। तो पहले हम पूर्ण विराम की ओर जाएंगे, जहाँ किसी बात के कहने का अभिप्राय व्याकरणिक दृष्टि से पूरा हो गया हो वहाँ पूर्ण विराम लगता है, तथा जहाँ पर वाक्य हमारा पूरा हो जाता है और उसके बाद हमें कुछ कहना नहीं होता है उसे, वहाँ पर हमें पूर्ण विराम का विराम चिन्ह प्रयोग करते हैं, जहाँ पर वाक्य की पूर्णता की प्रमाण मिलता है। जैसे नदी बहती है, यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया है इसलिए इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। उसी प्रकार अल्प विराम
जब एक प्रकार के बहुत से शब्द या बहुत से उपवाक्य होते हैं और वाक्य के भीतर आते हैं तो प्रत्येक के बीच में एक अल्प विराम का उपयोग होता है, जैसे कि राम, लक्ष्मण और सीता। तो राम और लक्ष्मण दोनों एक एक शब्द हो गए, उपवाक्य हो गए, और इसे हम यहाँ पर दोनों के शब्दों के बीच में एक अल्प विराम का प्रयोग होता है। उसी प्रकार अर्धविराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा अधिक ठहरना पड़े, हमारी पढ़ाई भी वहाँ पर वैसी अलग होती है। राम थोड़ा रुक जाते हैं, फिर हम लक्ष्मण कहते हैं, फिर और सीता वन में गए। राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए, इस तरह हम पढ़ते हैं। लेकिन अर्धविराम में हमें थोड़ा ज़्यादा समय रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। जैसे कि वहाँ कभी हंसती है कभी रोती है, तो वहाँ वह कभी हंसती है कभी रोती है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है अल्प विराम के अपेक्षा, इसलिए इसे हम अर्धविराम कहते हैं। और यहाँ पर अल्प विराम के अपेक्षा अधिक ठहरना पड़ता है और अधिक उपवाक्य को जोड़ने पड़ता है, इसलिए उसे हम अर्धविराम कहते हैं। प्रश्न सूचक, जहाँ पर कोई सवाल पूछा जाता हो या प्रश्न पूछा जाता हो, उसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। तुम कहाँ, कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, कैसे हो, इस तरह के सवालों के कारण उसे हम प्रश्न सूचक कहते हैं। विस्मय आदि बोधक, हमने पहले भी पढ़ा था कि जहाँ पर आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, संबोधन आदि का व्यवहार होता हो, व्यक्त करना हो, आह कितना बड़ा पोशाक है, इस तरह के वाक्यों में हमें विस्मय आदि बोधक लगाते हैं। वाह तुम धन्य हो गए, जैसे इसका उदाहरण यह होता है। उसके बाद उद्धरण चिन्ह, जब किसी पुस्तक, व्यक्ति, पत्र आदि का नाम कहा जाता हो, जैसे चिन्ह, और जब किसी दूसरे के कथन को ज्यों का त्यों कहा जाए तब चिन्ह लगाया जाता है। अगर कहीं किसी पुस्तक का नाम दिया जाता हो तो पुस्तक के नाम को हम उद्धरण चिन्ह में प्रकाश करते, या फिर गांधी जी ने कहा था करो या मरो, वहाँ पर भी हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है, माता जी ने कहा तुम्हें रोज गीता पढ़नी है, तो माता जी ने कहा यहाँ पर अल्प विराम और तुम्हें रोज गीता पढ़ने, गीता एक पुस्तक का नाम है, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ और उन्होंने कहा था, इसलिए उनकी कई बातों को भी उद्धरण चिन्ह में प्रकाश किया गया है यहाँ पर। उसी प्रकार संक्षेप चिन्ह, संक्षेप का मतलब संक्षिप्त, यह चिन्ह किसी शब्द के संक्षिप्त रूपों के साथ लगता है, जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर का प्रयोग होता है। और कोष्ठक, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए या किसी बात का दूसरा अर्थ बताने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे इच्छा का विलोम, बुरा, यानी कि विलोम शब्द का अर्थ दिखाने के लिए इच्छा का विलोम विपरीतार्थक बुरा है, तो बुरा को हम कोष्ठक के अंदर रखते हैं। उसी प्रकार योजक चिन्ह, बार बार कई शब्दों का अगर लिखा जाता है या फिर उसी प्रकार जैसे कि सामसिक शब्द या पुनरुक्त शब्दों के बीच इसका प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, धीरे धीरे, यहाँ पर बार बार एक शब्द को लिखा गया है इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग है। उसी प्रकार निर्देशक चिन्ह, इसका प्रयोग विवरण देने अथवा एक विचार के बीच दूसरा विचार देने के लिए होता है, जैसे हम दो चीज़ें चाहते हैं, सुख और शांति, दोनों शब्दों का बीच में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, सुख और शांति, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह यह होता है। निर्देशक चिन्ह बच्चों यह होता है, तुम लोग इस वाक्य के साथ अपने दिए गए विराम चिन्ह को थोड़ा ध्यान से देखना। और आखिरी में विवरण चिन्ह, किसी विवरण को प्रस्तुत करने से पूर्व और उसके लिए भूमिका कथन के उपरांत यह चिन्ह लगाया जाता है,
जैसे नीचे यह दिया जा रहा है। विवरण चिन्ह, किसी के वर्णन करने से पहले जिसका प्रयोग होता है ये होता है हमारा विवरण चिन्ह। तो बच्चों ये हो जाता है हमारा इस विषय का, अब हम इस विषय का अभ्यास पर ध्यान देंगे। कुछ प्रश्न तुम लोगों के लिए दिया गया है, तुम उस प्रश्न में कुछ विराम चिन्ह है और गुण विराम चिन्हों को पुस्तक से देखकर लिख लेना। संक्षेप चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, पूर्ण विराम और अल्प विराम चिन्हों को लेकर एक एक वाक्य बनाना है, प्रयोगों को समझा कर लिखना है, यानी कि उसके उस चिन्हों को लगाकर एक एक वाक्य बनाना है। तीसरे नंबर पे चिन्ह का प्रयोग करना है, आह कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पर विस्मयवाचक का चिन्ह का प्रयोग होगा। उसे रोको मत, जाने दो, यहाँ पर लिखा गया रोकने और ना जाने देने के अर्थ में। विराम, यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा, उसे जाने देने के अर्थ में कहा गया है। उसे रोको मत, जाने दो, रोकने और ना जाने देने के अर्थ में कहा गया है, उसे जाना नहीं है। तो विराम चिन्ह को प्रयोग होगा उसे रोको, यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता। तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पर प्रश्न सूचक वाक्य, राम, श्याम और मोहन, यहाँ पर कई सारे उपवाक्य हैं इसलिए यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होगा। तो बाकी सब जो जो तुम्हें दिया गया है उन सब सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप करने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही, अगले कालांश में हम एक और नए विषय वस्तु के ऊपर ध्यान देंगे। धन्यवाद।